एक छंद दिया था हमारे गुरु अमीर शर्मा जी ने सती जी से, कह रहे हैं महादेव शंकर जी कि तुम यज्ञ में मत जाओ। और प्रहलाद भाई अब आते हैं रसिया बाजी पे, बड़े भाई साहब कह रहे हैं बार तालाब जब कर रहे गिर कैलाश दरमियान, और पार्वती कहने लगी जरा देना प्रभु तुम। अब बात हो रही है सती की और महादेव जी की, और बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि पार्वती कहने लगी ये वृंदावन नगरी एक एक आदमी लिखैया और गवैया है। सती जी पार्वती नहीं थी, वो अगले जन्म में जब हवन में छंद में आगे भस्म हो जाएंगी तब दूसरा जन्म लेंगी, तब सती जी पार्वती बनेंगी। और बड़े भाई साहब पहले ही सती जी को पार्वती के नाम से संबोधित कर रहे हैं। निरंजन गुरु ध्यान देंगे इस बात पर, पार्वती कहने लगी रसियाबाजी इसीलिए बदनाम है। पार्वती तो अगले जन्म में बनेगी, या जन्म में तो बात तो सती ते रही है। अब हमारे छंद के काफिया थे, बहुत पछताओगी और बिना बुलाए जाओगी, पहली चिकट के काफिया। अब लेखनी इनकी देखो, दर्शन मां के पाऊंगी और मिलकर के में, हम कह रहे पाओ पछताओगी और जाओगी, और वो कह रहे पाऊंगी रहूंगी। तो यहां से साबित होता है कि लेखनी में अभी बहुत पीछे हो आप लोग। और एक गीत हमने गाया, मम्मी भी है वही वही घर वाली है, न जाने कितने अखाड़ों ने राधा रानी की कथा को गाया। अखिलेश भाई लेकर के आए कि राधा से शादी हुई, माई भी है वही वही घर वाली है। तो जो राधा रानी बरसाने वाली हैं, इसकी शादी यशोदा के भाई से नहीं हुई है, वो राधा नाम की ग्वालिनी अलग है और ये राधा रानी बिल्कुल अलग है। तो दोनों चीजों को चाचा इन्होंने अपने अपभ्रंश तरीके से लड़ाया है, ये कलम की लड़ाई नहीं है, ईमानदारी की बात तो ये। अब सुनेंगे आगे आगे, और इधर के अब बेईमानी की सुनो। भाई साहब कह रहे थे कि ये गीत किशन शर्मा जी के ने मेरे सामने गाया है, तो जहां पे हमारा कंपटीशन हुआ था मदन पंजाबी जी से बैर राजस्थान में, और आपका एक बच्चा भी था, हमारा भी छोटा ही है ये ब्रज किशोर, तो वहां पे किशन शर्मा जी की पार्टी का था दिनेश तोमर जी से कंपटीशन, और हमारा था मदन पंजाबी जी से, तो किशन शर्मा जी के सामने ही हमने इस गाने को मदन पंजाबी के लिए परोसा था। तो इसमें ओरिजिनलिटी तो ये के गीत बैरक दल का ही है। अब सुनेंगे इधर से जवाब सवाल। हाँ जी रसिया दंगल की शुरुआत। कहने लगे बाबा भोलेनाथ, अब ये ज्ञान ध्यान खोकर प्रिया, ये ज्ञान ध्यान और खोकर प्रिया, भारी दुखे खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी।
नरेश भाई, औरत के लिए आंखों की शर्म बहुत कुछ है, इसीलिए कहने लगे बाबा भोलेनाथ। अरे राय शर्म की नी आखन की बनाए, सभी जवानों है। और इधर से एक चाचा टुकड़ी गाई थी बड़े भाई ने, निकालो मसा भी ये गलियां ये चौबारा। ध्यान में चाचा लिखा सर ये गलियां ये चौबारा यहां आना ना दोबारा, अब हम तो हुए परदेसी, तेरा यहां कोई नहीं, तेरा यहां कोई। लिखा इधर से कह रहे थे लाल अंबर में पर फैलाए रंजन गुरु,
हमने इधर से पहले एक टुकड़ी गाई थी, दिल डिंग डांग डिंग बोले, तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, भगवान शंकर की टुकड़ी गाई थी। ईमानदारी से बताओ लाला जी, कोई जवाब उधर से आया? कोई जवाब नहीं आया। अखिलेश भाई ने कोई भी जवाब, दिल डिंग डांग डिंग बोले उसमें शंकर जी की टुकड़ी गाई थी, उसको खा गए। इधर सती को पार्वती कह रहे हैं छंद में, ये भी बिल्कुल गलत है। राधा को माई बना रहे हैं और घरवाली कृष्ण जी की बता रहे हैं, तो वो राधा अलग थी और ये बरसाने वाली जो कृष्ण जी के साथ में ब्रह्मा जी ने फेरा दिए, वो सब बातें अलग हैं, ये राधा अलग थी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि कलम के मामले में अभी कोई सिस्टम तुम्हारा बैठ नहीं रहा है। नहीं, ज्यादा कुछ न कहते हुए आपने लाल गाए हैं, और उस्तादी अगर लाल पसंद आए तो मैं चाहूंगा कि आशीर्वाद की कामना करूंगा। हाँ जी, लिखा इनने गाए लाल और हम ला रहे हैं काल, तभी तो जवाब होगा। अब कहना है काल ने देखो, काल ने सब ही नाच नचाए, काल ने सब ही नाच नचाए। ये काले लाला जी समय के लिए, समय ऐसा कोई आदमी नहीं होगा इस समाज में जिसके पीछे समय का चक्र न लगा हो, जिसने समय एक ऐसी चीज हुआ करता है चाचा, जिस आदमी का मुख देखने का धर्म नहीं और पीछे पीछे डोलना पड़ जाता है। काल कहते हैं समय को, काल ने सबको नाच नचाए। एक काल, काल की कह के कन्हैया ना आए, काल की कह के कन्हैया आए। आजी अखिलेश भाई, एक काल तो हो गया समय के लिए और एक काल हो गया आज और काल। अखिलेश बाबू क्यों इस चीज में कोई दोराया नहीं है कि जो रामू शर्मा आजकल कलम से लिख देते हैं उस पर कलम रखना हर किसी की बस की बात नहीं है, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं। लेकिन जहां तक सोच का समझ का विषय है, जितना विवेक में लेखक की में आता है उतना जवाब हुआ करता है। सुनेंगे, काल ने सबको नाच नचाए, काल ने सबको नाच नचाए, काल ने सबको नाच नचाए। ये हुआ समय के लिए, काल की कह के कन्हैया न आए, काल की कह के कन्हैया न आए, काल की कह के कन्हैया न आए। अब तीसरा काल, काल की कह के कन्हैया न आए, काल से कोई बचने न पाए। ये खलीफा जी गुरुदेव तीसरा काल है यानी मौत, और इधर कह रहे से अंजनी के लाल सा लाल नहीं, लेकिन अंजनी का लाल अमर और अजर है, ये भी लाइन मेरी यहीं पे घटेगी। काल से सबको नाच नचाए, काल की कह के कन्हैया न आए, काल से कोई बचने न पाए। अंजनी के लाल का काल नहीं, क्यों दलीर भाई? एक लेखक का एक अपना सेंस होता है, हालांकि रामू शर्मा जी का जवाब बड़े बड़े लेखकों पे आजकल नहीं होगा, लेकिन जहां तक दिमाग जाता है, अंजनी के लाल का काल नहीं। और काल क्यों नहीं है? सप्त चिरजीवी है अश्वस्थामा बलिर व्यासो, इस लोक में सात चिरजीवी हैं और अंजनी के लाल का कोई काल नहीं, नहीं वहीं से घट रही है। काल ने काल से कोई बच नहीं पाए और अंजनी के लाल का काल नहीं।
और ये जवाब पर खुश होकर के 51 रुपए का पुरस्कार मेरे गुरु रामगोपाल चाचा जी और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा विजय राघव जी और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे गुरु तुलाराम खलीफा जी जिनका हम पे हमेशा आशीर्वाद है ये जवाब पर खुश होकर के देते हैं। मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा और सभी कला साधकों को मेरे बड़े भाई दलवीर ब्रजवासी जो कि ब्रज की आनबान शान है सभी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं 11-11 रुपए से बार बार आशीर्वाद चाहूंगा। हाँ जी मासा। और अभी भैया ने एक गीत गाया था मत प्यार करो परदेसी से, बेटा आकाश बराबर से तेरे गीत का जवाब होगा और गीत देखना मेरी तरफ से, गीत तूने भी गाया और गीत मेरी तरफ से भी देखना गीत।